हनुमानगढ़ के गांव मक्कासर में आज किसानों ने हड़ताल के तीसरे दिन सफलतापूर्वक व शांतिपूर्ण आंदोलन को जारी रखा। तो गांव में किसानों ने अपनी सब्जी व दूध की स्टॉलें लगाई व वाजिब दामों में बेची। इस कड़ी धूप में किसान साथियों ने आने वाले सभी राहगीरों के लिए ठंडे पानी की व्यवस्था की गई। किसानों का कहना है कि 1 जून से 10 जून तक हम यूं ही डटे रहेंगे और अपनी मांगों को सरकार से मनवाकर रहेंगे। स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू की जाए, किसानों का संपूर्ण कर्ज माफी हो, हमारी सब्जी व फसल दूध वाजिब रेट मिले। इस मौके पर किसान नेता मनीष गोदारा, गुरलाल मान, देवीलाल जाजड़िया, रचिराम, सुभाष गोदारा, राकेश चाहर, महावीर खिचड़, दयाराम पंडित सिमरा, मनप्रीत सरा, अवतार छिंदा सिंह, बूटा सिंह, एमपी स्याग, अंकुर गोदारा, सैकड़ों की संख्या में किसान मौजूद रहे। मक्कासर में जो है आज तीसरे दिन आंदोलन बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से रहा और ग्रामीणों ने फल दूध की व्यवस्था की। हमारी हड़ताल का और हमने सब्जियों की और दूध की खुद यहाँ पे किसानों ने स्टॉल लगाई है अपने और कम रेटों में यहाँ पे हमने गांव वालों को भी और बाजार से जो भी आए उनको सब्जियाँ बेची है। आज तीसरा दिन है, 1 से 10 तारीख तक हम ही हमारे जो सब्जियाँ हैं दूध है इनके रेट और स्टॉल यहीं पे लगाते रहेंगे और सारे गाँव का और आप सब मीडिया भाइयों का भी हमें सहयोग चाहिए, उसके लिए सब भाइयों का धन्यवाद। कि तो किसानों का जो कर्जा है वो संपूर्ण माफ़ किया जाए, जो ब्याज है किसानों के वो माफ़ किया जाए और स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है वो लागू की जाए। इसलिए हम सारे किसान 1 से 10 तारीख तक सभी किसान भाइयों के साथ में हम खड़े हैं। राजस्थान से जुड़ी हर खबर सबसे पहले प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल रिपोर्ट एक्सक्लूसिव और पाएं राजस्थान की हर छोटी बड़ी हलचल बस एक क्लिक में सीधे आपके।